किसी का एक कुछ ऐसे संडे टेस्ट है ना जिसमें हम कुछ पार्ट मिस हो गया था हमारा, 3-4 क्वेश्चन रह गए, 4-5 क्वेश्चन रह गए, ऐसा हुआ था ना। तो मैम, यस मैम, जब मैं वापस यो आऊंगी, मैम, पहले तो हम लोग जितने भी मिसिंग क्वेश्चन थे सारे कवर करेंगे, ठीक है? तो तैयार रहना कि सारे पेपर लगाए जाएंगे। उसके बाद हम लोग आप क्या प्रीवियस, कह रहे हो, फिर रिपीट करना। बेटा जो संडे टेस्ट के क्वेश्चंस रह गए थे ना डिस्कस करने के लिए, क्लास खत्म हो गई थी, 1-2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन रह गए, पहले सारे वो डिस्कस होंगे जब मैं आऊंगी। उसके बाद आप लोगों का जो प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर है ना नीट का, 12th, सिर्फ उसमें जितनी 12th आई है वो हम क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक मैम आप कहाँ जा रहे हो घूमने? है? मैं जरा काम से जा रही हूँ, अभी आऊंगी कुछ दिनों में, मैम कब तक आओगे? नेक्स्ट वीक नहीं होंगी, उसके नेक्स्ट वीक आऊंगी, यस मैम। ठीक है? सो याद रखना कि उसके बाद आके हम पेपर डिस्कस करेंगे, लास्ट 5 ईयर, दैट इज 2022, 2021, 2019 एंड 18 का पेपर लगाएंगे। पूरा पेपर होगा नीट का, दैट मीन्स हम 11th तो नहीं अभी करेंगे, तो हम 12th के सारे क्वेश्चन लगाएंगे, राइट? सो आपका होमवर्क बस ये रहेगा कि इस हफ्ते आपको पूरा अपने नोट्स रिवाइज करते रहना 12th के, ओके? तो यो जब हम क्वेश्चन पेपर पूरा यहाँ लगाएंगे ना, उससे आपको आइडिया होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो उससे नीट क्रैक हो सकता है या नहीं। तो तुम खुद ही पेपर लगा के देख लेना क्लास में, नीट क्रैक होता है या नहीं, ओके? क्योंकि मैम, 50% तो 12th आएगी, 50% 11th आएगी, हम ये लेके चलते हैं बेसिक सा रेशियो। तो देख लेते हैं 50% से हमसे कितना हो पा रहा है, एनसीईआरटी से पेपर आता है या नहीं, जो हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं उससे पेपर आता है या नहीं। और पता चला मैं तुम्हें कुछ पढ़ा रही हूँ, पेपर कुछ हो रहा है, पता तो चले ना हमें कि सही जा रहे हैं या नहीं, सबको पता चलना चाहिए ना। मैम तो इसको कहते हैं एनालिसिस, आपको खुद की भी करनी है, मुझे भी खुद की करनी है। तो इसे हम कहते हैं सेल्फ एनालिसिस, कि हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रोडक्टिव है या नहीं। तो इसमें ये नहीं होता कि हम टीचर को जज कर रहे हैं, हम स्टूडेंट को जज कर रहे हैं, कि मैं तुम्हें बोलूंगी देखो पेपर मेरे बताने से आ गया या तुम जज कर रहे हो, मैंने तो पढ़ाया नहीं है, है पेपर तो यहाँ पे आ गया। हम इसे समझ रहे हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए प्रोडक्टिव है या नहीं। तो सेल्फ एनालिसिस हमेशा करनी चाहिए, हर सब्जेक्ट में करनी चाहिए, स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं भी जाओ ना लाइफ में, कोई भी एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे होंगे, सेल्फ एनालिसिस जरूर करना। तो मैं तुम्हें सेल्फ एनालिसिस कराएंगे, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे, डन है? यस मैम। वैसे तो मैं चाहती हूँ 11th पढ़े, पर फिर भी मुझे एक बार अपने सीनियर से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो जैसे होता है आई लेट यू नो। मैंने बोला ओके, बोलो ओके। बट ओके 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 क्या होता है? यो होता है क्लास में, तमीज नहीं है तुम्हें? मैम। यो यो ठीक है, तो वन चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी में कंजर्वेशन। नहीं कंजर्वेशन, एस्टिवेशन नहीं बेटा, कंजर्वेशन है। तो मेरे को बताओ कि बायोडाइवर्सिटी में वो चार मेन इविल कौन थे जो बायोडाइवर्सिटी लॉस करवा रहे थे? हैबिटेट होएक, एच स्टैंड फॉर लॉस, हैबिटेट लॉस फ्रैगमेंटेशन। सोनिया, यस ओ मैम, स्टैंड फॉर ओवर एक्सप्लेनेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी चीज को ज्यादा गलत तरीके से यूज करना इज एक्सप्लॉयटेशन, ओके? एक्सप्लॉयटेशन। रिया, वी स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर मैम एलियन स्पीसीज इन्वेशन, इन्वेजन, इन्वेजन आना, वहां पे आके फैल जाना, इन्वेजन, ठीक है? जैसे एलियंस ने आके धरती पे इन्वेजन कर लिया है, फैल गया वो चारों, इन्वेड कर लेना। हिमानी, सी स्टैंड फॉर, कृति, सी स्टैंड फॉर को एक्सटेंशन, को एक्सटेंशन, पहली बच्ची जिसने सही वर्ड बोला है, एक्सटेंशन को एग्जिस्टेंस, सब सब यही बोलते आ रहे हैं ये पहले बच्चे, शाबाश। को एक्सटेंशन कि हम तो मरेंगे सर ना, तुम्हें भी ले डूबेंगे, रिमेम्बर? ये तुमको याद रह जाएगा, है ना? अभी कुछ लॉजिकल से बताऊंगी वो याद नहीं रहेगा, जहाँ निब्बा निब्बी की बात की याद रह जाएगा तुमको, है ना? चलो, ये क्या होता है? ये बहुत अच्छा स्लैंग होता है, इसका मतलब होता है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ये जी मैम। तो एनसीईआरटी बेस्ड डेटा तो हम लर्न कर ही रहे हैं। टिलमैन और रिबेट हाइपोथेसिस हमने कल कर ली थी पूरी, आज हम देखेंगे वो स्पीशी रिचनेस के कॉन्सेप्ट पे है, जो एक छोटा सा ग्राफ है, बहुत मजे से बनाएंगे हम उसको, ठीक है? मजा आएगा, इसमें हम घूमने चलेंगे तुम्हारे घर के पास, ठीक है? इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उस चैप्टर का, जिससे 4 मार्क का अकेला क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली जो मैंने इस टाइम यहाँ लिखा है, सबसे 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, इससे बनता है, इससे बनता है, और इससे तो कुछ नहीं पता, 8 मार्क्स तक पेपर आ सकता है,
डेटा बेस्ड आ सकता है भाई, राइट। तो आज इन पे फोकस करेंगे और कुछ बीच में बहुत सारे टर्म्स है तो उनको साथ कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है जी, रेडी? हम लोग पहुंचे थे यहाँ पर, है ना, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है। तो कल हम लोगों ने बात कर ली थी कि इसको बर्बाद कौन कर रहा है, बायोडायवर्सिटी को। आज कंजर्वेशन की बात करते हैं। कंजर्वेशन मतलब बचाना, बचाना, बचाओ बचाओ, है ना। तो बचाने के ये पूछ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के रीजंस क्या है, क्यों बचाना चाहिए, सीधा पूछ रहे हैं। कह रहे ठीक है बायोडायवर्सिटी लॉस है, समझिए क्यों बचाऊ, है ना, सीधा क्वेश्चन है, क्यों पढ़ू, नहीं पढ़ूंगा, मेरे को रीजन देना पड़ेगा कि पढ़ ले बेटा, नहीं तो स्कोप नहीं है ज्यादा आगे लाइफ में। फिर देखो समझा, अच्छा ठीक है मेरे लिए कह रहे हैं तो चलो पढ़ लेता हूँ, अपने लिए तो पढ़ ही सकता हूँ। कुछ बच्चे इसलिए पढ़ लेंगे कि यार फैमिली के लिए पढ़ लेते हैं कि हम कुछ बनेंगे तभी तो फैमिली आगे बेटर कंडीशंस में आएगी। कुछ इसके लिए करेंगे कि यार कुछ बनेंगे करेंगे तो जो लोग अभी बहुत प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं। एवरीवन कैन हैव देयर रीजन एंड ऑल रीजंस आर करेक्ट, इसमें कुछ गलत नहीं आप अपने लिए कर रहे हो, इसमें कुछ गलत नहीं दूसरे के लिए कर रहे हो, है ना। तो वैसे वो पूछ रहे हैं कि क्यों बचाएं बायोडायवर्सिटी, नहीं बचाएंगे। तो हम कह रहे हैं यार एनसीईआरटी कह रही तीन रीजन है, ये तीन रीजन मेरे हिसाब से इतने जायज है कि तुम बायोडायवर्सिटी को बचा लो, ठीक है। तो पहला रीजन अब मेरे को बताओ बायोडायवर्सिटी क्यों बताए, टेल मी वन रीजन, बोलो भाई, रेज योर हैंड। हाँ बेटा हर्ष, बायोडायवर्सिटी बचाएंगे तभी हम भी सेव रह पाएंगे, तभी हम भी सेव रह पाएंगे, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि वी आर थिंकिंग अबाउट आवरसेल्फ, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं जब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं, अपना फायदा सोचूं, तो मैं उसको कहती हूँ नैरोली यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन, ठीक है। तो नैरो का मतलब है थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ, थिंक अबाउट और सेल्फ, ठीक है, गलत नहीं है इसमें कुछ, सही है। तो मैंने सोचा कि मैं बायोडाइवर्सिटी इसलिए बचाऊ ताकि मैं भी सर्वाइव कर पाऊँ, है ना, बायोडाइवर्सिटी खत्म मैं भी खत्म, कि मुझे किसने, रिवर पॉपर हाइपोथेसिस ने बताया था कि एक दिन प्लेन क्रैश हो जाएगा, आखिर हमने बचाया नहीं, राइट। और मैं कह सकती हूँ, अगर मैं बोलूँ तो मैं बोल सकती हूँ टिम्बर मिलता है, जंगल से टिम्बर मिलता है, उससे मेरा खर्चा चल रहा है, मेरा बिजनेस उस पर चल रहा है, तो वो मैं अपने लिए बचाना चाहती हूँ। तो जब ह्यूमन सेल्फिशली सोचे ना बायोडाइवर्सिटी को बचाना, तो उसको हम कहते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन। तो नैरोली सोचने वाले रीजन को हम कहते हैं, ठीक है। तो पहला रीजन है कि हम नैरो सोचे, सिर्फ अपने बारे में सोचे तो भी बायोडाइवर्सिटी बचाएंगे। दूसरा रीजन क्या हो सकता है और क्यों बचानी चाहिए बायोडायवर्सिटी, सोचो, इन पॉइंट्स को भूल जाओ, तुम बताओ, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ठीक है। तो अभी भी हम देखा जाए तो ह्यूमन के लिए सोच रहे हैं ना, तो अभी भी नैरो में रखते हैं हम इसको। और कुछ सोचो, सोचो, मान लो क्यों बचाओ बायोडायवर्सिटी, स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ एंटायर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में और प्लांट्स और एनिमल्स भी रहते हैं और माइक्रोब्स भी रहते हैं। तो अगर मैंने बायोडायवर्सिटी नहीं बचाया, पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा, सबका घर बार लूट जाएगा ना, सारे जानवर भी बिना घर के हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, है ना। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन हम कहते हैं व्हेन वी थिंक अबाउट द नेचर, व्हेन वी थिंक अबाउट अदर लिविंग बींग्स आल्सो, ठीक है, अदर लिविंग बींग्स के प्रॉफिट के बारे में भी हम सोचे, तो हम कहेंगे कि ये होगा ब्रॉडली यूटेरियन। अब हमने दिमाग को थोड़ा और खोल के सोचा। और तीसरा रीजन हो सकता है हमारे पास एथिकल इशू। एथिकल इशू का आर्ग्यूमेंट का सिंपल मीनिंग है कि बायोडाइवर्सिटी बचाओ कि तुम्हारे को क्या हक है दूसरे को मानने का, दैट इज एन एथिकल आर्ग्यूमेंट। इमोशनली आप सोच रहे हो कि तुम्हें क्या हक है किसी और एनिमल को मानने का, वो उसकी जिंदगी है, वो आया है, वो अपने हिसाब से जाएगा, तुम कैसे मार रहे हो। प्लांट के पास भी तो जान है ना, उसको भी तो दर्द होता है, तुम कैसे उसको मार सकते हो, या तुम कैसे किसी जानवर को मार सकते हो, तुम्हारी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो गलत बात है, तुम्हें कोई हक ही नहीं है। तो जब आप इमोशनल लेवल पर सोचते हो तो हम उसको कहते हैं एथिकल आर, समझ आया, इमोशनल लेवल पर सोचते हैं ऑल हैव राइट टू लिव, है ना। राइट, तो ये तीन रीजन है जिसके लिए हम बायोडायवर्सिटी को बचाते हैं, एनसीईआरटी को मेंशन करते हैं, क्लियर है सबको, ये टर्म्स आएंगे पढ़ना बेटा। बायोडायवर्सिटी बचाने के तीन रीजन एनसीईआरटी बोल रही है। पहला, बायोडाइवर्सिटी इसलिए बचाओ क्योंकि तुम्हारा फायदा है, ह्यूमन का फायदा है, तो वो नैरो यूटिलिटेरियन है, नैरो रीजन है, सिर्फ अपने बारे में सोचो। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी इसलिए बचाओ ताकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फायदा हो, तो तुमने थोड़ा ब्रॉडली सोचा, मेरा भी फायदा है, प्लांट का भी है, दूसरे एनिमल का भी है, इसको ब्रॉडली यूटिलिटेरियन कहते हैं। तीसरा, एथिकल आर्ग्यूमेंट कि बायोडाइवर्सिटी इसलिए बचाओ क्योंकि तुमको कोई हक नहीं है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मानने का, दैट इज एथिकल आर्ग्यूमेंट। तो इन तीन रीजन की वजह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं।
यस मैम। अब देखो IUCN याद है आपको? ये मैम। फुल फॉर्म क्या थी इसकी? कौन बताएगा? IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटेंशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। किसने बोला? नहीं बोला नियति बेटा, हाथ खड़े करने का कल्चर चला गया है। अरे हमारे ही राज है वो, अभी मैं बचाई सुनने को बोलने वाली थी। आंसर सही बोला लेकिन दुख तो जाए यार, दूसरे को भी बोले। इंटरनेशनल बोला पूरा, यूनियन ऑफ, अरे नियति कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। हाँ अब तू उसका, अब उसका खा जा, अब उसका खा जा है ना, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। नलायक हूँ, एक दूसरे की बारी बोल लेते हो, अपनी बारी बोलते नहीं है। और इससे सीखोगे तुम डिसिप्लिन, दूसरे को बोलने दिया करो, नहीं तो फिर आज चला कर लिया। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये एन दो एन को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज याद रखनी है, ये भूलनी नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे गलती हो जाती है। अब ये क्या है, इनके पास ना हर तरीके की किताबें है, हर तरीके का डेटा है इनके पास। ये डेटा है कि कौन सी स्पीशी एक्सटेंट हो रही है, ये डेटा है कौन सी स्पीशी एक्सटेंट हो सकती है, ये डेटा है कौन सी स्पीशी अब एक्सटेंशन पे चल रही है। तो इनके पास हर तरीके का डेटा है, जिसमें से एक एनसीईआरटी मेंशन करता है, जिसको हम कहते हैं लाल किताब। ये जो खूनी किताब है इसको लाल किताब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डेटा है किसका, पहले तो प्लांट्स एंड एनिमल बोथ, दोनों का डेटा है। तो यार गलती से इसको सिर्फ एनिमल से मत समझ लेना। प्लांट्स को बुलाते हैं फ्लोरा, एनिमल को बुलाते हैं फौना। दोनों का डेटा है। इनके पास डेटा किस चीज का है? लाल किताब आपको ये बताती है कि अराउंड 784 स्पीशीज जो है ना दुनिया से एक्सटेंड हो चुकी है पिछले 500 सालों में। तो पिछले 500 ईयर्स में, अभी ये अपडेटेड डेटा नहीं, अब तो ज्यादा होगी, तो पिछले 500 सालों में लगभग 784 स्पीशीज एक्सटेंड हो चुकी है, अराउंड लिखा है इसने, ठीक है। तो 500 सालों में 700 कुछ से स्पीशी एक्सटेंट हो गई, मतलब एक साल में 100 से ज्यादा स्पीशी एक्सटेंट हो रही है, ठीक है। तो पहले तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा बेस क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। जितना डेटा एटलीस्ट क्लास में है वो तो याद करके जाओ। ये कैसे याद रहता है? मुझे 500 याद रहता है क्योंकि ऐसे नंबर मुझे याद रहते हैं, 100, 500, 1000। मेरे को ये भूल जाता है तो मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ, 7 and 8, ठीक है। मैं 4 भूल जाती हूँ पर मुझे 7, 8 याद रखता है क्योंकि एक के बाद आता है। तो जब पूरा डेटा याद नहीं कर सकते, आप उसके नियर बाय नंबर याद कर लिया करो। देखो 500 सालों में 700 एक्सटेंशन हो रही है, यानी एक साल में तो हो गया लगभग उससे ज्यादा हो रही है ना, मुझे इस तरीके से याद। आपको जैसे याद कर सकता है आप वैसे याद कर सकते हो, ठीक है। आप जब कोई नियर बाय नंबर याद रखते हो तो वैल्यू आपकी क्वेश्चन में निकल जाती है। सेकेंडली दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक्सटेंशन किसकी सबसे ज्यादा हुई है। तो यहाँ पे एनिमल और प्लांट दोनों की बात कर रहे हैं। जब भी बहुत डेटा हो ना, मैक्सिमम वैल्यू किसकी है और मिनिमम वैल्यू किसकी है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन किसकी देखने को मिली है हमें? इनवर्टिब्रेट्स। और मिनिमम किसकी मिली है? प्लांट, ठीक है। तो आप वर्टिब्रेट का तुक्का तो मार ही लोगे ना, इन बिटवीन आएगी। एक्चुअली एनसीईआरटी का डेटा ऐसे याद रखना, क्लियर? हम कंजर्वेशन की बात करते हैं। हमने बोला कि यार कंजर्वेशन, पहले हमने बात करी तबाही कौन मचा रहा है, चार रीजन है। फिर हमने बात करी कंजर्वेशन क्यों करूं, तीन रीजन मेरे को मिल गए, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा ये भी देख लो कि कितनी स्पीशी एक्सटेंट हो गई, तो मेरे को मोटिवेशन मिल गया मैं बचाऊं। तो मैं बचाना चाहती हूँ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके दो तरीके हैं, ठीक है। उसके क्या तरीके हैं? एक है इन सीटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब बचाना, और है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस 90% है, 90 to 99%। इतना इंपॉर्टेंट है ये, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है या अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन आता है। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं फिर एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है जी। चले तो इन सीटू क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है कि घर में जाके बचाओ, किसी को मदद की जरूरत है, ठीक है, बार बार चीख रहा है बचाओ बचाओ। तो तुम क्या कर रहे हो? उसके घर में जा रहे हो, अब उसको मदद की जरूरत है। मान लो उनके घर में कोई घुसा है और उनको मारपीट करने की कोशिश कर रहा है, तो तुम उसके घर में जाके लड़ाई कर रहे हो दूसरे इंसान से और उसको बचा रहे हो। सो दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन, तुम किसी के घर में जाके उसकी रक्षा कर रहे हो। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है? कि तुम उसके घर में गए, ठीक है, और तुमने उसको वहां से पकड़ा, उसको बोला भाई भाग मेरे साथ, मेरे घर चलते हैं, वहां पर हम सेफ है। दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन, कि जिसको तुमने बचाना था उसको उठा के तुम कहीं और ले गए हो, उसके नेचुरल घर से दूर रह गए। दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन, समझ आया?
बाहर कहीं प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब तुम अपने घर लेके आओगे तो उसको उसके घर जैसी कंडीशन दोगे, उसको रहने के लिए जगह दोगे, सोने के लिए बिस्तर दोगे, खाने के लिए रोटी दोगे, उसके घर में भी वो सब था, तुम्हारे घर में भी है, तो तुमने बनाया, लेकिन लेके तो उसके घर से बाहर आए हो ना तुम, तो एक्स यू टू रहेगा वो, क्लियर है। उसका एग्जाम्पल है, मान लो शेर है, शेरों की पॉपुलेशन कम हो रही है, तुमने क्या किया, तुमने शेरों को उसके नेचुरल हैबिटेट में जाकर प्रिजर्व कर लिया, उसका जो फॉरेस्ट था तुमने उस फॉरेस्ट को चारों तरफ से गवर्नमेंट एरिया बना दिया उसको, ठीक है, चारों तरफ तुमने पूरी प्रोटेक्शन दे दी पूरी की पूरी उस एनिमल को, तो तुमने उसके घर में जाकर उसको बताया ना, तो वो इनसीटू हुआ एक्सीटू हुआ। अब तुमको पता है कि वो जो एरिया था, वो एरिया ना वहां पर आग लग गई है, तुमको पता है कि तुम अब उसको प्रोटेक्ट करके शेर को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तुम क्या करोगे, तुमने वो शेर उठा के तुम लोग यहाँ पे जू में ले आए, अब तुम उसको वैसी कंडीशन देना चाह रहे हो जैसे वहां जंगल में थी, लेकिन तुम उसको उठा के यहाँ ले आए ना, ठीक है, तो अब उसको कंजर्वेशन कर रहे हो, तो अब मैं उसको क्या बोलूं, इनसीटू या एक्सीटू? एक्सीटू कंजर्वेशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थोड़े से एग्जाम्पल कर लेती है, इससे क्वेश्चन आएगा, फोर मार्क का ले लो, ले लो चार मार्क ले लो, बोलो शिल्पी। मतलब कि आपने उसको उसके नेचुरल घर से निकाला और किसी और घर में जाके कंजर्व किया है ना, और इंस्टीट्यूट का मतलब है कि उसका जो घर था आपने उसको उसी के घर में प्रोटेक्शन दे दी है ना, यहाँ पे हमने पूरे जाले वाले लगा दिए और कोई नहीं आएगा अंदर, प्रोटेक्शन है, नाके लगा दिए हमने, ठीक है जी। सो एक्सीडू कंजर्वेशन क्या है, जैसे जूलॉजिकल पार्क है, अब देख रहे हो सारे जानवर उठा के लाते हैं ना जू में, वो उनके नेचुरल हैबिटेट तो नहीं होता, तो जूलॉजिकल पार्क इज एक्सीडू कंजर्वेशन। बोटेनिकल गार्डन देखे आपने कभी? डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट को लाके वहां पर रखा जाता है, दैट इज आल्सो एक्सीडू, क्योंकि तुम नेचुरल हैबिटेट से उठा के लाए हो, बेशक तुमने बोटेनिकल गार्डन में उसको सारी कंडीशन दी है, लेकिन वो उसका नेचुरली घर तो नहीं था ना, वो वहां तो पैदा नहीं हुआ था ना, राइट, तो दैट इज एक्सीडू कंजर्वेशन। अबे समझ आ रहा है, ये आएगा क्वेश्चन? यस मैम, यस मैम। अब कोई प्लांट है, ठीक है, वो एक्सटेंट होने वाला है, अपन ने क्या किया, उसका सीड ले लिए, ओहो इसको करते हैं हम ठंडा, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन हमने करी थी कहां पर? सेकंड चैप्टर में, पॉलन ग्रेन्स के साथ, हां दैट इज आल्सो एक्सीडू कंजर्वेशन। सीड तो था वो उसके लिए, एक तरह से सीड तो नहीं था, मतलब जर्म सेल था फिर, तो तुमने क्या किया, क्रायो प्रिजर्वेशन कर दी, तो वो भी एक्सीडू कंजर्वेशन है ना, तुम उठा के लैब में रख रहे हो। एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन, अब तुम ह्यूमन में नहीं करोगे, लेकिन इसको ऐसे देखो कि आप किसी छोटे ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो प्रिजर्व करके रख सकते हो, या पोलन ग्रेन को ओवम के साथ फ्यूज करा के उसका एम्ब्रियो बना के रख सकते हो, ठीक है, इसको भी क्रायो प्रिजर्वेशन में रख सकते हो, ठीक है। सो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, ठंडे में रखना, राइट, और ये सारे एक्सीटू कंजर्वेशन है, क्लियर है? अब आ रहे हैं एक्सीटू कंजर्वेशन में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर हॉटस्पॉट, अभी इसको पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक तो होता है हॉटस्पॉट, अब बेसिकली कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जंगल ही हैं, ठीक है, बहुत तरीके के जंगल है, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर उसको कितनी प्रोटेक्शन की जरूरत है, या उसमें कितनी एक्टिविटी में अलाउड कर सकती हूँ इंसान की, उसके बेसिस पे हमने हर जंगल को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया है ये सारे जंगल, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बचानी है तो जंगल ही बचाओगे, है ना, तो है जंगल, अलग अलग नाम है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इनसीटू कंजर्वेटर है, उस जंगल में जाकर उसको बचा लिया। बायोस्फीयर रिजर्व भी जंगल ही होते हैं, नेशनल पार्क्स भी जंगल होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जंगल है, सेक्रेट ग्रोव्स भी जंगल है, इट जस्ट दैट आपने वहां जाकर उनको बचाया, और इनके फीचर एक दूसरे से अलग है, बचाने के अलग अलग तरीके हैं, एक है मैंने पूरे जंगल को बचा लिया, एक है मैंने जंगल को बचाया पर मैं थोड़े से ह्यूमन को आके वहां रहने दे रही हूँ, ट्राइबल्स को जो वहां पर रहते हैं, एक है मैंने साइंटिस्ट को आके रिसर्च करने दी, एक कंडीशन है जहां पे मैंने ह्यूमन को थोड़ा घूमने भी दिया, आप जा सकते हो उस एरिया में घूम सकते हो लेकिन ज्यादा अंदर नहीं जा सकते, उसके बेसिस पे इनके नाम एक दूसरे से अलग है, ये बात समझ आई, नाम अलग क्यों? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज इनसीटू कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व, इनसीटू कंजर्वेशन, इस पे भी क्वेश्चन आता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेक्रेट ग्रुप्स, इसके ऊपर ना एग्जाम्पल्स आते हैं, आपको एग्जाम्पल पूछ लेते हैं स्पेसिफिक नाम देके, तो इसको लर्न करने में टाइम लगेगा, और ये बहुत सारे हैं,
ठीक है, आप कोई भी हेल्प बुक उठाना वहाँ पे बहुत सारा डेटा है, तो जितना एनसीईआरटी में अगर आपको कोई मिलता है स्पेसिफिकली उतना याद कर लो, बहुत है, उसके अलावा याद करना देन फिर गो फॉर एनी हेल्प बुक, पर मेन ये दोनों जरूर याद करने, इसको नहीं छोड़ना, क्लियर? तो पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि हॉटस्पॉट क्या है और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो पहले बायोस्फीयर रिजर्व समझते हैं, ठीक है? रुको, पहले बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डिफरेंस समझते हैं, ठीक है? देखो ज्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है, जाना चाहते हो तो चले जाओ इंटरेस्ट के लिए, लेकिन नीट के पर्सपेक्टिव से इसकी जरूरत नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, जहाँ पे ट्राइबल पीपल रहने लायक है, वो लोग ना जो सिर्फ जंगल में रहते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाते हैं, वो कभी बाहर नहीं आते हैं, ऐसे होते हैं ना ट्राइबल लोग, आपको पता है? अगर आप जंगल एरिया में रह रहे हो, अपने घरों में रह रहे हो और बाहर स्कूल दैट इज नॉट ट्राइबल, ट्राइबल आर द पीपल हु लिव इन जंगल इटसेल्फ और कहीं नहीं जाते, तो वो ट्राइब को रहना अलाउड करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है? बायोस्फीयर रिजर्व किसी जंगल को बनाया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था यूनेस्को ने, आपने कभी सुना है यूनेस्को ने अनाउंस किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टीवी पे एड आती है, यस मैम, हमारे बच्चे कम टीवी देखते हैं, तो यूनेस्को ने ही इसको बायोस्फीयर रिजर्व अनाउंस करना स्टार्ट किया था चीजों को, ठीक है? कुछ जंगलों को यूनेस्को की बाई चांस फुल फॉर्म आ सकती है तो पता होनी चाहिए, लिख लेना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये क्या करती है, ये किसी भी, ये बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट करती है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसी फॉरेस्ट को इन्होंने डिक्लेयर किया बायोस्फीयर रिजर्व या किसी किसी को स्पेशल कैटेगरी देते हैं, स्पेशल कैटेगरी इसलिए देते हैं ताकि उसकी कंजर्वेशन हो पाए, ठीक है? जैसे क्या कहते हैं उसको, ताजमहल इज व्हाट, सेवन वंडर में से एक है ना, तो हम उसको सेवन वंडर कहते हैं, हम उसकी प्रिजर्वेशन के लिए ज्यादा काम करते हैं, इसलिए किसी को स्पेसिफिकली कैटेगरी दी भी जाती है, ठीक है? तो बायोस्फीयर रिजर्व ये था। अब नेशनल पार्क की बात करें, नेशनल पार्क नेशनल वर्ड दिख रहा है आपको, तो गवर्नमेंट का यहाँ बहुत लेना देना है, सो इट इज कम्प्लीटली प्रिजर्व बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रिजर्व करेगी, हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रिजर्व करेगी, यहाँ पर वो सारा डिसाइड करेगी कौन आएगा या नहीं, उनकी मर्जी के बिना आ नहीं सकते, ठीक है जी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रिजर्व करती है, यहाँ पे किस किस की रक्षा होती है, ये फ्लोरा को भी बचाते हैं, प्लांट को भी और फौना को भी, दोनों को, उस एरिया में जितने भी प्लांट्स और एनिमल है दोनों की रक्षा करते हैं। इंटरफेरेंस बाय ह्यूमन, ह्यूमन की वो क्या कहते हैं उसको, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मीन्स दखल अंदाजी इज नॉट अलाउड, एक्स मतलब नॉट अलाउड, ओके? तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, तो अगर आप ऐसे एरिया में जाते, इवन व्हाट वाज दैट यार, मैं कहा था वो, मैं शिलोंग से वापस आ रही थी, वहां पे एक नहीं क्या जगह का नाम था, चेरापुंजी नहीं, मैं जगह का नाम भूल गई, मॉलेलोंग विलेज के पास है, ईस्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो जब हम वहां से बाहर आ रहे थे तो वहां पे लिखा हुआ था नोटिस पे, पहली बार नोटिस पढ़ा मैंने वहां पे कि ट्रेसपासर्स विल बी शॉट, तो ट्रेसपासिंग करेगा ना उस एरिया में उसको गोली मार देंगे वो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी वाली नहीं देखी है, तो वो पूरा आर्मी कवर्ड एरिया था वो, ठीक है? वो सेक्रेट ग्रुप्स वाला एरिया था, इसमें बहुत सेक्रेट ग्रुप्स होते हैं, सेक्रेट ग्रुप मतलब ऐसे जंगल जिनको पूजा जाता है, लोग वहां पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मैंने पहली बार देखा था कहीं पे लिखा हुआ कि ट्रेसपासिंग मतलब अगर आप यहाँ आओगे उनकी मर्जी के बिना परमिशन लेकर ठोक देंगे, गोली मार देंगे, विश्वास नहीं हुआ था मुझे कि ऐसा भी होता है, पटाभ लिखा था वहां पे। तो ट्रेसपासिंग एरियाज में अलाउड नहीं होती, आई एम नॉट सेइंग नेशनल पार्क्स में ऐसा होता है, लेकिन उस जगह पे जरूर लिखा था। तो एनीवेज, सो नेशनल पार्क में इंटरफेरेंस अलाउड नहीं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए, जैसे मान लो मुझे किसी एरिया में, टाइगर इज अ गुड एग्जाम्पल क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर भी बहुत होता है ना, तो मान लो किसी एरिया में मुझे डायनासोरस को बचाना है, ठीक है? अब डायनासोरस को बचाना है तो ऑब्वियसली मैं उस एरिया में प्लांट्स को भी बचा लूंगी, एनिमल्स को भी बचा लूंगी बाकी के, तो मैंने वो जंगल को प्रिजर्व इसलिए किया था क्योंकि मुझे डायनासोरस को बचाना था, तो हमारा सारा फोकस डायनासोरस पर रहेगा, ठीक है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए किसी एरिया को कवर करना, ठीक है? तो इट इज फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हार्वेस्टिंग अलाउड होती है, तो वहां के लोग हार्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं, इस जंगल को वो यूज कर सकते हैं, लोग अलाउड कर देते हैं, ठीक है? क्लियर है? नेशनल पार्क रिपीट, क्या बेटा? नेशनल पार्क रिपीट कर दो। नेशनल पार्क बेटा ऐसे वाले एरियाज है, ऐसे वाले जंगल है जिसका पूरा देखभाल हमारी गवर्नमेंट करती है, ठीक है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लोग करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जितने प्लांट जितने एनिमल है सबको इक्वली बचाएंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो किसी एक पे ध्यान था, यहाँ पर सब पे ध्यान है।
यहाँ पर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है, ना तुम रिसर्च के लिए जा सकते हो, ना तुम यहाँ घूमने के लिए जा सकते हो, और ना तुम यहाँ वैसे जा सकते हो किसी भी रीजन से, खेती बाड़ी कर नहीं सकते, यहाँ के रिसोर्सेज नहीं ले सकते, तुम अलाउड ही नहीं हो यहाँ पे, उसे कहते हैं नेशनल पार्क। क्लियर? एक क्वेश्चन था कुछ एम, जैसे प्रोजेक्ट चीता नहीं था इंडिया में एम, उधर पुनो नेशनल पार्क में भी तो बाहर से चीता लाए गए उधर, हाँ, तो इन सीटू कैसे हुआ? क्या चीज? एम जैसे प्रोजेक्ट चीता में एक नेशनल पार्क में बाहर से चीता लाए गए, तो इन सीटू कंजर्वेशन कैसे हुआ? इनसे तो कंजर्वेशन नहीं हुआ ना, वो एक स्पेशल केस हो गया ना। जब आप एक ऑर्गेनिज्म को देखो, वो इनसीटू थोड़ी हुआ, हम उसके नेचुरल हैबिटेट से हम उसको लेकर आए ना, अब हम उसको अपनी प्रिजर्वेशन में कर रहे हैं, तो मैं उसको इनसीटू कंजर्वेशन हम नहीं कह सकते। अगर स्पेसिफिकली केस बोलोगे तो उस केस में नहीं होता, लेकिन जनरली इनसीटू कंजर्वेशन में हम उसी जंगल को प्रोटेक्ट कर लेंगे तो इनसीटू बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जो तू बोल रहा है, जो प्रोजेक्ट चीटा भी चल ही रहा है, इनसीटू कंजर्वेशन नहीं है वो, हम उसको कहीं और, वो हम तो किसी और कंट्री से उसको यहाँ लेकर आए, दैट इज एक्चुअली इनसीटू कंजर्वेशन। तो अगर अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मैम मैं उसको कैसे लिखूं, अगर वो नेशनल पार्क दे रहे हैं तुझे, तो नेशनल पार्क यू विल कंसीडर अंडर इनसीटू कंजर्वेशन, तुम इनसीटू लिख के आओगे। लेकिन अगर वो वहां लिख दे कि प्रोजेक्ट टाइगर के रिस्पेक्ट में आपसे पूछ रहे हैं, इन दैट केस वो इनसीटू कंजर्वेशन है, लेकिन नीट आपसे ये पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रेडिक्टरी बात होगी, एक तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है और आएगा भी नहीं अपडेट इतनी जल्दी, और दूसरा एक कॉन्ट्रेडिक्टरी बात है। कुछ लोग उठ के बोल देंगे कि ये इनसीटू में आएगा क्योंकि नेशनल पार्क है, कुछ बोल देंगे एक्सीटू है भाई दूसरी कंट्री से लाए। तो जब भी कॉन्ट्राडिक्शंस होती है तो वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा ना, फिर सब बच्चों को उनको चार नंबर देने पड़ेंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन तेरा पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि वो एक्सीट हुआ, वो बाहर से आया था, राइट? जी मैम। चलो, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा, पिछली क्लास में वेट करती रही कि उससे पूछेगा प्रोजेक्ट चीता को आप क्या बोलोगे। चलो, किसी ने तो सोचा, नाइस, ओके। अब इधर आओ, देखो हमने कर लिया ये वाले तीनों कंपैरिजन। बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आता है, इसका डायग्राम ये कराते नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक बार उसको कवर करते हैं, ठीक है, फिर हम हॉटस्पॉट करेंगे, ओके? बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, आप समझ रहे हो जंगल है पूरा, ठीक है, तो ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इसके ना एरिया डिवाइडेड होते हैं, आपको पता है जंगल का जो बिल्कुल सेंट्रल एरिया होता है, सबसे घना जंगल कहाँ होगा, कॉर्नर्स में या सेंटर में? अगर किसी भी जगह पे इंसान आने लग जाते हैं तो एनिमल उनकी तरफ आते हैं या उनसे दूर भागते हैं? जनरली दूर भागते हैं, है ना। तो इंसानों की जहाँ स्मेल हो जाती है ना, एनिमल उससे दूर ही रहते हैं। बेटा माइक बंद कर दे, ठीक है। तो हम क्या चलते हैं, हम क्यों बना रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व इज व्हाट? इट इज एन इनसीटू कंजर्वेशन। हम क्यों कर रहे हैं? हम बचाना चाहते हैं, वहां पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बचाना चाहते हैं, राइट? बचाना चाहते हैं मतलब वहां पे कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो बायोस्फीयर रिजर्व तीन रीजन में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे अंदर वाला रीजन जो है इसको हम कहते हैं कोर। कोर वो रीजन है जहां पर नो ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ पे सिर्फ अगर बहुत ही इमरजेंसी कोई कंडीशन हुई ना, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे देखने के लिए कि एनिमल हंटिंग तो नहीं हो रही है, पोचिंग तो नहीं हो रही, पोचिंग होता है इल्लीगल एनिमल हंटिंग, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं है, तो यहाँ इंसान नहीं जाते, दिस इज अ कोर रीजन, ठीक है। अब उसके बाद उसके बाहर का जो रीजन होता है आसपास, उसे हम कहते हैं बफर। बफर रीजन इज द वन जहां पर अलाउड होता है सबका जाना नहीं, पर साइंटिफिक रिसर्च अलाउड। तो अगर कोई साइंटिस्ट है और वो वहां पे रिसर्च करना चाहते हो, क्योंकि अगर साइंटिस्ट रिसर्च नहीं करेंगे तो ना नई दवाइयां आएंगी, ना कोई बीमारियों के इलाज आएंगे, तो साइंटिफिक रिसर्च तो चाहिए। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि ठीक है बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, एक हिस्सा है जंगल का जहां कोई नहीं जाएगा भाई, लेकिन उसके बाहर का जो एक हिस्सा है उस हिस्सा में साइंटिफिक रिसर्च हम अलाउड कर रहे हैं कि चलो कर लो साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। क्योंकि इसी जंगल का पार्ट है तो मोस्ट प्रोबेबली जो तुमको अंदर पेड़ मिलना है वो तुमको यहाँ तक मिल ही जाएगा। फिर एक रीजन आता है जहां पर वो कहते हैं जो वहां के लोग हैं जो जंगल पे डिपेंडेंट है, तुम उसको जंगल के बाहर थोड़ी टाइम दोगे, वो तो उनका घर है ना, और वो ढंग से रहते हैं जंगल के साथ, ठीक है। वो नुकसान नहीं करते, वो पेड़ नहीं काटते, वो पेड़ की गिरी हुई लकड़ियां उठा के आग जला लेते हैं, राइट। तो ये होता है हमारा ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन इज द एरिया जहां पर लोग आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ट्राइबल पीपल यहाँ से रिसोर्सेज लेते हैं और यहाँ पर रहते हैं और जंगल का ध्यान भी रखते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व के तीन रीजन है। क्वेश्चन क्या आता है कि कहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है या नहीं है? तो कोर में अलाउड नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड कहाँ पे है? ट्रांजिशन जोन में। ट्रांजिशन। और अगर वो स्पेसिफिकली बोले साइंटिफिक एक्टिविटी तो बफर। अब बोलोगे बफर में साइंटिस्ट तो ह्यूमन ही है, वो वर्ड यूज करेंगे साइंटिफिक मतलब कि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आप यूज कर रहे हो, तो ये दोनों वर्ड जब आएंगे दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट बफर, ठीक है। क्लियर है?
बहुत बड़ी है। चलो अब आते हैं, एक बार दोबारा इस पे आते हैं। तो हमने कर लिया बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व हमने कर लिए और डिटेल में। अब हम करना चाहते हैं हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट के साथ फिर सेक्रेट ग्रुप करेंगे। ओके पढ़ा दूं? हॉटस्पॉट क्या होते हैं? पहली चीज तो ये गर्म नहीं होते हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया था नॉर्मल मेयर ने, ठीक है। ये वो एरिया नहीं है जो गर्म है, ये वो एरिया है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। क्या मतलब है इस बात का? मान लो ये मेरा ग्लोब है, ठीक है, इस ग्लोब में छोटू सा एरिया है, ये छोटा सा एरिया, ये एरिया तो बहुत छोटा है, एरिया स्मॉल है ना, बहुत छोटू सा एरिया है, लेकिन इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे उसकी बहुत वैरायटी है। मतलब यहाँ पे 500 तरीके की चींटियां मिल रही है, 1500 तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स मिल रहे हैं, एंड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल्स मिल रहे हैं। तो जहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी हो लेकिन वो एरिया बहुत छोटू सा हो, उसको हम कहते हैं कि यार ये हॉटस्पॉट है। अगर मैंने इस छोटे से एरिया को बचा लिया, इसको बचाने में ज्यादा मेहनत तो नहीं लगेगी क्योंकि एरिया को कवर करना ईजी है, तो अगर मैंने इस छोटे से एरिया को बचा लिया, अब ये छोटा क्यों है विद रिस्पेक्ट टू ग्लोब, ठीक है, तो अगर मैंने इस छोटे से एरिया को बचा लिया तो मैं बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकती हूँ। तो हॉटस्पॉट उनको कहेंगे जो एरिया छोटे हैं पर वहां पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। क्लियर? तो अब हम कहते हैं कि चलो हम देखते हैं कि ये तो ठीक है, ये हॉटस्पॉट है, मुझे बताओ कि ये येलो वाला हॉटस्पॉट है, हमको पता करना है इज इट हॉटस्पॉट। तो मैं क्या फीचर देखूं? बहुत सारे फीचर होते हैं, आपके सिलेबस में ज्यादा तो नहीं है, तो जो फीचर है वो डिस्कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भेज देंगे, लेट से हम हरीश हो क्लास में, यो मैम, सुहानी हो क्लास में, सोगी, बहुत बढ़िया, अंशिका हो क्लास में, यो मैम, बेटे क्लास में पूछा था, मेरे कान में नहीं पूछा था, पता चल गया मुझे क्लास में है तो कान में बैठने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो हरीश सबसे पहले हमने तुम्हें भेजा कि बताओ भाई ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है या नहीं, तो सबसे पहले तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे कि क्या यहाँ पर स्पीशीज रिचनेस है। स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या है? मैनी डाइवर्स स्पीशी, देखो एक तो नंबर भी ज्यादा हो और स्पीशी के टाइप भी अलग हो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि 1000 तरीके की चींटियां हो तो वो हॉटस्पॉट हो गया, मैं ये कह रही हूँ, सॉरी मैं ये नहीं कह रही 1000 नंबर ऑफ आंट्स हो तो वो हॉटस्पॉट हो गया, मैं कह रही हूँ 1000 टाइप्स ऑफ आंट्स हो तो वो हॉटस्पॉट होगा। ये डिफरेंस समझ आया? मतलब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होना चाहिए। जैसे तुम्हारी क्लास में अगर सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, हॉटस्पॉट नहीं है वो, सारे कद्दू है, हॉटस्पॉट नहीं है वो, हमें वैरायटी चाहिए। कुछ बहुत पढ़ते हैं, कुछ कम पढ़ते हैं, कुछ बहुत ही कम पढ़ते हैं और कुछ कहीं और ही है, तो ये वैरायटी आ गई ना, तब मैं कहूंगी तुम्हारी क्लास हॉटस्पॉट है क्योंकि तुम्हारे पास स्पीशी रिचनेस है, बहुत वैरायटी के बच्चे हैं। ठीक है, तुमने देखा ये येलो वाले रीजन में स्पीशी रिचनेस है, ठीक है, तो स्पीशी रिचनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद हमारी सुहानी, सुहानी तुमने देखा कि वहां पर एंडेमिज्म बहुत ज्यादा है। अब एंडेमिज्म क्या होता है, ध्यान से सुनना, एंडेमिक स्पीशीज, आपको क्वेश्चन आ सकता है, एंडेमिक स्पीशीज जो होती है उनके फिनोमेना को एंडेमिज्म कहते हैं। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या है? दे आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, एक ही जगह मिलती है वो ऑन अ ग्लोब। हमारी धरती पे वो बस एक ही जगह मिल रही है और कहीं नहीं मिलती। बहुत इजी एग्जांपल है इसका और इसके बहुत एग्जांपल्स है, तुमको कोई याद नहीं करना है, ठीक है, लेकिन तुमको बस इतना याद रखना है किसका मतलब क्या है। जैसे कैंगरू कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। नेचुरली कैंगरू और कहीं देखे? अब किसी ने जू में उठा के रख लिए तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, जू की बात नहीं हो रही, नेचुरली वहीं मिलते हैं ना, तो कैंगरू शो एंडेमिज्म कि वो वहीं पे मिलते हैं। तो वैसे ही मैं किसी एरिया को हॉटस्पॉट तब कहूंगी कि पहला वहाँ बहुत वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होनी चाहिए, दूसरा वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स है वो एंडेमिज्म शो करें, हाई एंडेमिज्म। तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ एनिमल की बात हो रही है, इसका मतलब है आप प्लांट्स की बात भी करो, फंगस की बात भी करो, वो वहीं मिल रहे हैं और कहीं नहीं मिल रहे, तो वो एंडेमिक है। तो मान लो अगर इस येलो वाले एरिया में लेट्स से हमारे पास प्लांट के 1 लाख वैरायटी है,
तो 1 लाख में से लगभग 60,000 एंडेमिक है, सिर्फ यही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। एंड ट्रस्ट में ऐसे बहुत से एरियाज है दुनिया में। ओके समझ आया? तो हाई एंडेमिज्म होना चाहिए और एरिया का जो कवर है वो बहुत छोटा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट होगा एरिया कवर लेस, छोटू सा है तो छोटा सा एरिया जिसमें इतनी सारी वैरायटी है। अब मैं इसको कह सकती हूँ कि जो मेरा येलो वाला एरिया क्या वो हॉटस्पॉट है? बिल्कुल है, रोक नहीं सकता उसको हॉटस्पॉट होने से कोई। क्लियर है सबको? अब दो डेटा है जो एनसीईआरटी में आते हैं, इसके बाद में तुम वो डेटा सेट पर पकाऊंगी और हम थोड़ा घूम के आएंगे, ठीक है? कहानी सुनाऊंगी बढ़िया वाली, मजा आएंगे। ओहो मैं बहुत पास होके पढ़ा रहा हूँ, मेरा पास होकर मैं पढ़ा, पता नहीं चलता पढ़ाते पढ़ाते। तो ये क्या कह रहे हैं कि अब कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है दुनिया में, तो एनसीईआरटी की लाइन खतरनाक है, ध्यान से बोलना। उसमें लिखा है कि पहले 25 थे, उसमें 9 और ऐड हुए हैं, तो टोटल हॉटस्पॉट इन ग्लोब इन वर्ल्ड इज RRR 34। ठीक है जी, 25 नहीं है 34 है, पहली मिस्टेक यहाँ हो जाती है, ये फोन नंबर का क्वेश्चन है, समझ आया? दूसरा क्वेश्चन है हिंदुस्तान में कितने हैं? अब हिंदुस्तान में हमारे पास है 3, ध्यान से सुनने से। वैसे तो एक और भी है लेकिन एनसीईआरटी अभी तक 3 लेके चलती है, अपन 3 ही मानेंगे, भगवान के लिए यूपीएससी के लेक्चर में देखने लग जाना, 3 ही है। पहला हिमालयन रेंज, आप तो रहते ही हिमालयन रेंज में, हॉटस्पॉट है वो। अब तुम बोलोगे मैम हिमालयन रेंज तो इतनी बड़ी है, पागल हो, हिमालयन रेंज इतनी बड़ी है, धरती के कंपैरिजन में तो छोटू सी है, ठीक है, तो हॉटस्पॉट है। दूसरा है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। अब बोलोगे वेस्टर्न मैम श्रीलंका तो इंडिया में नहीं है, तो बोलूंगी चुप कर दो, दिखा रही कहां गया हॉटस्पॉट, अभी तो निकाला था। ये रहा, देखो हिंदुस्तान का मैप दिखाएं, देखिए ये है आपका, ये रे वेस्टर्न घाट्स दिखाई दे रहे, मैंने एम्फीबियन की प्रजातियां ज्यादा मिल रही थी। यो यो मैम, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका ऑलमोस्ट पास ही है, लक्ष्मण झूल राम राम सेतु आगे बीच में। यहाँ की डाइवर्सिटी बहुत सिमिलर है इसलिए इसको एक ही ट्रीट किया जाता है वर्ल्ड लेवल पे, समझ आया? तो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका इज 1 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, 2 नहीं है ये, क्लियर है? थर्ड इज इंडो बर्मा रेंज, इंडो बर्मा रीजन होता है ये, ईस्ट है ना येलो वाला, ये दिस इज इंडो बर्मा रीजन, सो ईस्ट इंडिया। तो ये रेड वाला आपका होगा हिमालयन, ब्लू वाला होगा वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, और ये येलो वाला होगा हमारे इंडो बर्मा रीजन। ओके बेसिकली हमारा ईस्ट इंडिया, सुना है ईस्ट इंडिया? ईस्ट इंडिया कंपनी, अबे चाचा जी ईस्ट इंडिया कंपनी भी करनी है, और इंडिया का ईस्ट का पार्ट, सेवन सिस्टर्स, देखा तुमने सेवन सिस्टर्स? तुम गए हो? मैप में देखा, मैप मैप में देखा। मैंने देखा है, ये एक सिस्टर तो मैंने छुई भी है, बस पार्क से होके निकलती है, उस पार्क में गए हम, फिर बस रॉक्स भी है वहां के, भेजो क्या भेजूं, ब्लॉग्स रॉक्स सेवन सिस्टर से निकाले ब्लॉग, ब्लॉग ब्लॉग नहीं, ब्लॉग नहीं है, फोटो है, पर मेरे को पता नहीं कहां ढूंढूंगी कहां है। ठीक है चलो, तो ये होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब दो क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से, पहले करते हैं सेक्रेट ग्रुप समझाते हैं, समय कितना है अभी तो बहुत समय है। देखो अब ये कह रहे हैं, दुनिया कहती है नॉर्मल मेयर से कि एक बात बताओ, अब तो चलो अब तो बहुत ही बड़ी बात होगी, कह रहे हैं अच्छा तुमने कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है दुनिया में, हाउ मेनी? 31 है दुनिया में, इंडिया दुनिया में नहीं आता, तूने अलग से बताया, इसको बाहर निकालो क्लास से, टीम मूड खराब कर रहा है हमारा बेटा। 34 है तो कह रहे हैं जो 34 है वो वर्ल्ड का कितना एरिया कवर कर रहे हैं, तो देखा गया को नहीं यार, तुम मेरा फोकस खराब करते हो, मैं नहीं पढ़ा रही, गुड इवनिंग। देखा गया कि पूरी ग्लोब है, मैं एरिया के टाइम में बात करूँ, ठीक है, यूनिट्स में डिस्कशन लगा रही, मैं कह रही 100% एरिया ग्लोब का, इसमें से हॉटस्पॉट ने कितना ले लिया, तुम बोलो 34 हॉटस्पॉट है, हो कितना सारा एरिया है, हम कह रहे हो इतना सारा एरिया नहीं है, सब मिलाओगे ना सिर्फ 2% लेस देन 2% एरिया है,
जो हॉटस्पॉट ने कवर किया है, समझ रहे हो तुम, सारा मिलाकर लेस देन 2% धरती का एरिया कवर किया है इन्होंने। हम कह रहे हो तो इतना सा एरिया क्यों बचा रहे हो, क्योंकि अगर तुम सिर्फ इतना सा एरिया बचा रहे हो तो तुम कितना बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर रहे हो, लगभग 30% बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर रहे हैं हम। तो दुनिया में 100% बायोडाइवर्सिटी, उसकी 30% तुम सिर्फ 2% एरिया बचा के कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंस है हॉटस्पॉट की। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अभी भी और ढूंढे जा रहे हैं, ताकि कोई ऐसी जगह हमें मिले जो इन फीचर्स को फॉलो करती हो, उसको हॉटस्पॉट बनाए और वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं करेंगे। यहाँ पे अलाउड नहीं है कोई एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज इन एरियाज स्पेसिफिकली वहाँ पे कंजर्व किए जाते हैं, डिफरेंट तरीके से कंजर्व करते हैं। जैसे आप देखोगे कुछ जंगल होते हैं जो सेक्रेट होते हैं, वहां जाना अलाउड नहीं होता। आपने कहानियां सुनी होगी, नहीं सुनी? तो ये दो डेटा याद रख लेना, 30% बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर सकते हैं सिर्फ ये 2%, लगभग 2% एरिया कवर करके। ये इम्पोर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी इसकी हॉटस्पॉट। ओके, डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर से डेटा ही आएगा बेटा, कर लेना। चलो अब सेक्रेट ग्रुप की बात करें। देखो सेक्रेट ग्रुप्स आर द वन जिनको पूजा जाता है, ठीक है, पूजने के अपने रीजन है हर कल्चर में। तो एक मेघालय में सेक्रेट ग्रुप है, कहा गया मॉफलॉन्ग, अभी भी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाएगी मुझसे, नहीं होगी इस जन्म में, मुझे 3-4 जन्म लगे। अरे बाह, 3-4 जन्म गया, ठीक है, एक नहीं समझ रहा मुझसे, ये रहा। ए देखो ये शटरस्टॉक को तो लगता है कि हम उनका कुछ चुरा लेंगे, फोटो नहीं ले रहे भाई तुम्हारी फोटो। देखो ये आपको दिख रहा है फॉरेस्ट, तो दिस इज मॉलेलॉन्ग फॉरेस्ट, ये ईस्ट इंडिया में सेक्रेट फॉरेस्ट है। तो यहाँ की मान्यता है, मैं गई यहाँ से इसलिए कॉन्फिडेंटली बता रही हूँ मैं, यहाँ की मान्यता है कि यहाँ से ना कोई भी कुछ भी बाहर नहीं लेके आता। आप यूट्यूब पे सर्च कर देखना, आपको वीडियोस मिलेगी लोगों की। तो यहाँ का रूल है कि कोई भी फॉरेस्ट में जाएगा वहां से कुछ नहीं लेके आएगा, लिटरली कोई पत्ता भी नहीं लेके आएगा। अगर तो गलती से किसी का कपड़ों वपड़ों में आ गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तो आप उसको वापस कर दो। लेकिन अगर आप इंटेंशनली लेके गए हो, सो दे बिलीव कि उस इंसान को ऐसी डिजीज हो जाती है जो ठीक नहीं हो सकती, दिस इज अ बिग फियर, ठीक है। तो इसी फॉरेस्ट के आसपास लोग रहते हैं, सोसाइटी इनके अपने ट्राइबल लोग रहते हैं जिनके अपना कल्चर है, तो वही इस फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं पूरी, ठीक है। वो भी यहाँ से कुछ बाहर नहीं लेके जाते हैं, सो दिस इज अ सेक्रेट फॉरेस्ट इन मॉलेलॉन्ग। अब ये देखो मॉपलॉन्ग, सॉरी, आपको दिख रही है लाइन फॉरेस्ट की, ये सारे ट्रीज, और ये खाली एरिया है। देखो कायदे से तो ये नहीं होना चाहिए कि पेड़ यहाँ भी उगने चाहिए, लेकिन इस फॉरेस्ट की खासियत क्या है कि अंदर से तो घना होता जा रहा है लेकिन ये कभी भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करता। तो जब आप देखोगे ना इसको, आपको एक लाइन में सारा फॉरेस्ट दिखता है, उससे आगे वो कभी नहीं आया इतने सालों से, ये पूरी रेंज है इसकी, इसके आगे कभी नहीं आता, इसकी खासियत है इस फॉरेस्ट की। ओके, सो दिस इज अ सेक्रेट ग्रुप। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे यहाँ पे कल्चरली जो ईस्ट है ना, वहाँ पे लेडीज को ज्यादा मान्यता दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे यहाँ पे ये रॉक्स है, तो ये आपको फैमिली रिप्रेजेंट करते हैं, कि सबसे बड़ा वाला रॉक जो हेड ऑफ द फैमिली होंगे, फिर छोटे रॉक जो उस घर के छोटे बच्चे होंगे, मतलब फैमिली मेंबर्स होंगे छोटे, राइट। सो ये इसकी मान्यता। अब यहाँ पर क्या होता है सेक्रेट ग्रुप के अंदर, इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर, कि यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ के लोग रिचुअल्स करते थे। जैसे ये है, ये रॉक्स दिख रहे हैं आपको, अरेंज हो रखे हैं, सो दे बिलीव फॉरेस्ट में रिचुअल करने की परमिशन सिर्फ मेल्स होती थी, फीमेल्स को नहीं। तो ये बिलीव करते थे कि जैसे गांव में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई है ना, नेचुरल आपदा आ गई है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, तो गांव वालों से कैसे डील करेंगे, वो यहाँ पे आकर पूजा करेंगे, ठीक है। तो ये स्टोन्स है जहाँ पे आके वो पूजा पाठ करते थे, अपने पूरे रिचुअल करते थे। अब एग्जैक्टली वो क्या करते थे किसी को नहीं पता, क्योंकि जो आके करते थे वो रूल था कि बाहर कोई किसी को नहीं बताएगा, तो सिर्फ जो यहाँ पे आके एक्टिविटी परफॉर्म करते थे सिर्फ उन्हीं को पता है। तो एक्चुअल में उनके खुद के लोगों को भी नहीं पता है कि अब तो रिचुअल्स नहीं होते हैं, तो उनके ट्राइब्स को नहीं पता, लेकिन उनके ट्राइब्स में जो बहुत ओल्ड पीपल है सिर्फ उनको पता है कि रिचुअल्स में होता गया था, तो वो भी हमें नहीं बता पाए। तो इस फॉरेस्ट में अगर आप जाओ ना, तो वहाँ के जो जो ट्राइब है, वहीं के जो ट्राइब है वो एज ए गाइड आते हैं, और वो आपको पूरा फॉरेस्ट नहीं लेके जाते, आगे आगे थोड़ा फॉरेस्ट घुमा देते हैं, ठीक है। सो अब वो भी क्या करते हैं, जैसे वहाँ पे रूल है आप जब अंदर जाओगे फोटो खींचने देते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप बाहर आते हो ना, तो बाहर आते टाइम वो आपसे सब झड़वाते हैं, बाल झाड़ने पड़ते, कपड़े झाड़ने पड़ते हैं, कि आप कोई गलती से यहाँ से चीज ले ना जाओ बाय मिस्टेक।
सो इवन वहाँ पे जो हमारा गाइड था उसने लीफ लिया और उसको ऐसे लीफ के बीच में शेप नहीं बना देते हार्ट या स्टार की, कभी बनाई होगी तुमने? यस मैम. है ना, उसने लीफ ऐसे हार्ट की शेप बनाई और उसके थ्रू हमने फोटोज ली. उसके बाद उसने वो लीफ वहीं छोड़ दिया. सो वो उसी ट्राइब से थे, उसी ट्राइब से बिलोंग करते थे, पर वो भी फॉरेस्ट से बाहर कुछ लेके नहीं आए. तो सेक्रेट फॉरेस्ट की ये इम्पोर्टेंस है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग वहां पर भी रहते हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं. अब तुमसे सोचो अगर इस फॉरेस्ट से कोई चीज बाहर नहीं जाती तो ये फॉरेस्ट कंजर्व है ना? यस मैम. डीप रूटेड और इसके अंदर ज्यादा जा भी नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है. वो कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट को, तो बाहर से वो लोगों को दिखा देते हैं मतलब क्यूरियोसिटी पर्पस, और उनका टूरिज्म भी चलता है ना, पैसे भी तो चाहिए ना मेंटेनेंस के, लेकिन वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाते. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेट ग्रुप्स. और ईस्ट में अकेले ही 300 से ज्यादा सेक्रेट ग्रुप्स हैं. तो यहाँ पे भी बहुत सी एंडेमिक स्पीशीज है. तो इसमें से एक एंडेमिक स्पीशीज है जिसकी ना मुझे फोटो नहीं मिल रही, और हम जब गए थे ना तब वो थी भी नहीं, उस मौसम में थी नहीं वो. तो वो होता है आपको वहां पे ब्लू कलर का फंगस मिलता है, तो फ्लोरेसेंट फंगस है जो ब्लू कलर का चमकता है, लेकिन उस टाइम पे वो उस सीजन में था नहीं, तो भारी बारिश के बाद होता था. तो अनफॉर्चुनेटली हम वो देख नहीं पाए, और ऊपर से अंदर थोड़ी और प्रिजर्वेशन का चल रहा था तो वो ज्यादा अंदर लेके भी नहीं गए. तो वो वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज है, ब्लू कलर का एक फंगस है, देख ही नहीं पाए तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है उसकी, बट दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेट ग्रुप्स. ठीक है, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन. क्लियर? अब तो नहीं बोलो. चलो ठीक है. अब मेरे को बताओ, मेरे को एक वॉलंटियर चाहिए जिसको अपने आसपास का एरिया थोड़ा पता हो, जिसको आसपास का एरिया थोड़ा पता हो अपने एरियाज. हर्ष, फिर तू ही आया है. क्यों भाई, हर्ष को पता, बाकी तुम क्या है? अगर तुम खो गए तो तुमको कोई उठा के ले गया तो तुमको घर नहीं पता अपना? फिर बोलते कि नहीं हो? सूर्यांश, आवाज आ रही है? यस मैम. कहाँ रहता है बेटा? मैं हिमाचल. अरे भगवान, अरे हिमाचल प्रदेश की क्लास ले रही हूँ, ये तो मुझे भी पता है. देवता जी, कहाँ रहते हो आप हिमाचल में? डिस्ट्रिक्ट मंडी. मंडी, मंडी में भी थोड़ा अंदर आ जा बेटा, एरिया का कोई नाम होगा. धर्मपुर. धर्मपुर, धर्मपुर भी काफी बड़ा है, उसमें भी अंदर है ना? यस मैम. क्या जगह का नाम? बरोटी. बरोटी, ठीक है. ये तो ऐसे घबरा रहे कि मैं बस्ते बांध के से घर अभी आ जाऊंगी. बरोटी, बरोटी के बाहर कौन सा बोला था बेटा? धर्मपुर. हाँ ये तो शुक्र है, मुझे पता था धर्मपुर बहुत बड़ा है. आई होप यही है धर्मपुर. और फिर क्या था उससे बाहर, क्या होगा? मंडी. मंडी, पूरा मंडी. मंडी तो बहुत बड़ा हो गया. मंडी, ठीक है. तो चलो, सूर्यांश के साथ कोई पार्टनर, हर्ष तो आया था ना? चलो, ये सूर्यांश का घर है बेटा. सूर्यांश, हम घर यही बनाएंगे. कल हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा समझ के जाना, ठीक है? तो ये सूर्यांश का घर है, सूर्यांश ही रहा हमारा. प्यारा सा पूछे पूछे सा सूर्यांश हमारा, ठीक है. और ये रहा हमारा हर्ष. हर्ष फॉर सम रीजन, अरे हर्ष के तो छोटू बाल है ना, ठीक है. ये रहा हर्ष, दोनों देखे मैंने. तुम्हारा वाइब मैंने लिया ना दोनों का? दोनों टाइम से आ गए थे. गुड, आई रिमेम्बर. ठीक है, तो तुम दोनों ने क्या सोचा कि आओ चलो चलो बरोटी घूमने आया हमारा हर्ष. तो हर्ष कहता है ये सूर्यांश चल मुझे जगह घुमा. सूर्यांश कहता है चल चलते हैं घूमने के लिए, लेकिन है तो बच्चे तो आगे आगे पीछे की चीजें देखेंगे. तो जब ये बरोटी निकले तो इन्होंने क्या दिखा, इनको जानवर और प्लांट्स दिखेंगे. हम एनिमल्स एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स भी इंक्लूड करेंगे तो तुम तो पागल ही हो जाओगे. इतनी बॉटनी तो नहीं आती हो तुम्हें, मेरे को पता है. तो मान लो एनिमल देखते, तो बताओ भाई सूर्यांश और हर्ष, तुम्हें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल डॉग. अच्छा, सबसे पहले इनको एक डॉग दिख गया, ठीक है. सूर्यांश और क्या दिखता है तुम्हारे घर के आसपास बेटा? कोई एनिमल तो दिखता होगा. पीकॉक. पीकॉक, पीकॉक दिखते है. अरे वाह, ओह इट्स क्यूट, मेरे घर के पास दिखते है. ठीक है, तो इन्होंने डॉग पीकॉक देखा, और कुछ? चलो कैट दिख गया इनको, ठीक है. अब इन्होंने क्या किया, अरे घर वालों को पता नहीं, चलो थोड़ा घूम के आते हैं. तो बरोटी से ये लोग थोड़ा दूर निकले और ये पहुंच गए धर्मपुर, ठीक है, बड़ा एरिया. अब ये बड़े एरिया में गए तो वहां पे इनको और दिखेंगे तो बंदर दिखेंगे, ठीक है.
तो सूर्यांश और हर्ष ने शीशा देख लिया, ठीक है, उनको मंकी दिखे। ओके, फिर उसके बाद और कोई एनिमल दिखेगा बेटा? सेजल, प्रवीण, तुक्का मार लो। ईगल, ईगल, ईगल दिखी, ठीक है, उन्होंने देखा ऊपर, देखिए जा रही है ईगल, ईगल दिखी। और एलिफेंट, एलिफेंट, ब्रो बेटा धर्मपुर में हाथी घूमते हैं, एक बार कोई हाँ बोलता तो मैं मान भी लेती। काओ, काओ ये बोला ना बच्ची ने, बड़ी बेसिक बात है, काओ तो दिखी जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि उई उई हर्ष हर्ष, वो कह रहा सूर्यांश हाँ भाई, कह रहा चल यार मोमोज खा जाते, धर्मपुर के बहुत फेमस है, ठीक है। हर्ष को तो मोमोज पसंद ही नहीं है, तो इसको दाल चावल पसंद है, दाल चावल खाने चले गए, है ना हर्ष, दाल चावल पसंद है? नो मैम। नहीं पसंद है तो क्या पसंद है बता भाई? कढ़ी चावल, कढ़ी चावल पसंद है, लो जी इनको कढ़ी चावल पसंद है। आ बेटा कढ़ी चावल तो पंजाब लाना पड़ेगा मुझे, धर्मपुर तक ही चलते, पंजाब में आइयो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो तुम धर्मपुर चले गए। अब धर्मपुर में इनको कुछ और एनिमल्स देखने को मिलेंगे क्या? पीछे जो एनिमल देखने को मिले वो रेपुटेशन मिलेगी? नहीं मिलेगी, धर्मपुर में गाय नहीं मिलती, मिलेंगी लोग तो वहाँ के भी दूध पीते ही होंगे, हैं मक्खन तो वहाँ भी बनता होगा। अच्छा डॉग और आई थिंक तुमको ये मंकी तो मिल ही जाएंगे, तो शीशा तो तुम वहाँ भी देखोगे। नए एनिमल्स भी मिलेंगे, कुछ नए एनिमल बताओ। बफेलो, बफेलो, ओके, और लेपर्ड, लेपर्ड यार धर मंडी लेपर्ड मिलते हैं? ये सुन होते हैं, होते हैं मैम जंगलों में। यस जंगल में भी जाओ। अबे जंगलों में नहीं जाना, बाहर आओ, पागल है ये। स्पैरो, पैरेट, 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 पूरे चावल खाने जा रहा है बेटा, बनने नहीं जा रहा, पैरेट खाएंगे, ठीक है। पीजन, तो देखो हाँ हाँ बस ठीक है, ठीक है, इमोशनल नहीं होना। पीजन अंदर बनाया, पीहन बाहर बना दे, इनमें लड़ाई चलती रही, में लड़ाई चल रही थी। तो तुमने नोटिस क्या किया? देखो क्या नोटिस किया तुमने, जो तुम्हें नोटिस करना था, मजे नहीं करने थे, चलो मजे कर लो, बस मजे करने चाहिए, अच्छी बात है। तुमने देखा कि पहले जब उसने एरिया एक्सप्लोर किया, लेट से ये बरोटी है, ठीक है, तो जब तक ये बरोटी का एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे, तो एरिया इंक्रीज हो रहा है ना, मैं लाइन में बना रही हूँ, वैसे वैसे उस एरिया की स्पीशी रिचनेस मिल रही थी, जैसे जैसे आगे जा रहे थे इनको स्पीशीज मिल रही थी ना, नहीं नहीं yes, जैसे एरिया एक्सप्लोर किया स्पीशी रिचनेस बढ़ी, फिर ये बरोटी से धर्मपुर गए तो धर्मपुर में भी स्पीशी रिचनेस बढ़ी, है ना, इन्होंने देखा अलग अलग तरीके की चीजें मिल रही है तो धर्मपुर में बना देते भाई स्पीशी रिचनेस बढ़ी। लेकिन उसके बाद तुमने देखा वही स्पीशी नंबर इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट, ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल तो उन्होंने देख लिए, नो तो देख ही लिए, लेकिन रेपिटेशन होगी ना, अब इनको गाय भी वही दिखने लगती जो इनको बरोटी में दिखी थी, वही इनको मंडी में भी दिखने लगी, ऐसा हुआ ना? आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब तुमने एरिया एक्सप्लोर करना बढ़ा दिया तो न्यू स्पीशी की डिस्कवरी कम होने लगती है ना, तो अब ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा होने लग गया, नीचे की तरफ जा रहा है, राइट, ऐसा हो रहा है। तो अगर मैं इसी ग्राफ को देख के एक डेफिनेशन बनाऊं तो मैं क्या बनाऊंगी, मैं कहूंगी कि जैसे जैसे आप पहले आप जब एक एरिया को एक्सप्लोर करते हो तो आपको नई नई स्पीशीज मिलती है, लेकिन अब जब एरिया को एक्सप्लोर करते चले जाते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पुरानी स्पीशी ही रिपीट होने लग जाती है, समझ आया? यस मैम। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज स्पीशी रिचनेस एंड दिस वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हंबोल्ट, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इसी को स्पीशी रिचनेस का कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये समझ आया? यस मैम। तो बस कुछ नहीं है, इसको एक बार कुछ मत करना, पढ़ाऊंगी मैं ही पढ़ाऊंगी, कुछ ना करना, इसको एक बार देखाना, ठीक है, इतना yeah, से क्वेश्चन कैसे आएगा? पहले टॉपिक तो पढ़ ले, क्वेश्चन अबे पहले टॉपिक तो पढ़ ले, क्वेश्चन कहां से बता दूं तुझे, कौन टॉपिक तो आया पहले तुझे, टॉपिक पढ़ पहले, क्वेश्चन कहां से आएगा फिर बताऊंगी, क्वेश्चन कहां से आएगा, मजा आएंगे ना, फिर फॉर्मूला बनाया नहीं मैंने अभी, फॉर्मूला बनाएंगे साथ में, फिर ऐसे कल्ले नहीं बना रही मैं फॉर्मूला, मेरे को नहीं पसंद फॉर्मूला, ठीक है, डन है, सबको समझ आ गया? या मैम। कल हम क्या करेंगे, कल हम लोग इस वाले टॉपिक को खत्म करेंगे, उसके बाद हम इसको रिवाइज करेंगे, पूरा चैप्टर एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कि क्विकली हमने क्या किया है, एंड देन वी विल डू बायोटेक्नोलॉजी रिवीजन, आता है ना, मैंने रिवाइज करेंगे। या।